Hello friends, welcome back to my channel. And now we are going to study a new chapter, chapter number 11. So here it is written, theme 2, ratio, proportion and arithmetic problems. हम theme 2 start करने जा रहे हैं. वो क्या है? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? Ratio, proportion and arithmetic problems. ठीक है? तो chapter 11 है. देखिए chapter 11, ratio, class 6, ICSE board. ठीक है? So first of all, we will study the introduction of ratio. Then after we will study that what is the definition of ratio. ठीक है? तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंपेयर थिंग्स नंबर्स एटसेट्रा से एक्स एंड वाई बाय सेम. देखिए किसी भी दो चीज को हम कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करते हैं. यहां पर देखिए फर्स्ट पॉइंट सपोज करिए कि यहां पर दो नंबर्स हैं एक्स एंड वाई. ठीक है तो कंपेयर करते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई. ठीक है एक्स जो है बड़ा है वाई से, ऐसे हम कंपेयर करते हैं. ठीक है या फिर एक्स इज लेस देन वाई. एक्स मतलब क्या है? एक्स है छोटा है वाई से. ठीक है और थर्ड पॉइंट देखिए x इज डबल ऑफ y मतलब कि x जो है y का दोगुना है. ठीक है ऐसे भी हम कहते हैं. ऐसे भी कहते हैं फोर्थ पॉइंट देखिए x इज वन थर्ड ऑफ y मतलब x जो है वन थर्ड है y का. ठीक है और यहां देखिए फिफ्थ पॉइंट x बाई y इज इक्वल टू फोर बाई फाइव मतलब कि x एंड y का रेशियो यहां पर क्या है? फोर इज टू फाइव है. ठीक है और यहां सिक्स पॉइंट देखिए y बाई x इज इक्वल टू थ्री बाई टू मतलब y by x, y and x का रेशियो क्या है यहाँ पर 3:2 है. ठीक है सेवन पॉइंट देखिए x is equal to y मतलब x जो है y के बराबर है. ठीक है then etc. ऐसे और भी हम किसी दो नंबर को हम कंपेयर करते हैं तो ऐसे ही कंपेयर करते हैं. ठीक है हम किसी भी दो नंबर को कंपेयर करते हैं या तो हम सब्ट्रैक्ट करके कंपेयर करते हैं. ठीक है x माइनस वाई या फिर हम डिवाइड करके कंपेयर करते हैं. सपोज x डिवाइडेड बाई वाई और y डिवाइडेड बाई x. ठीक है या फिर x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस वाई या फिर y माइनस x. नाउ सी हियर व्हाट इज रिटन हियर. इन जनरल फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स क्वांटिटीज इन आवर डेली लाइफ वी यूज एदर सब्ट्रैक्शन मेथड और डिवीजन मेथड. ठीक है देखिए हम किसी भी दो चीज को अगर कंपेयर करते हैं. ठीक है तो हम क्या करते हैं? या फिर हम माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर हम डिवाइड करते हैं. ठीक है तो यहां पर दो मेथड है रेशियो फाइंड करने के लिए. ठीक है पर यहां पर देखिए फर्स्ट मेथड क्या है? कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन मेथड. हम किसी भी दो चीज को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं एक चीज को दूसरे चीज से. ठीक है सेकंड पॉइंट देखिए कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड. सेकंड मेथड इज कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड. हम किसी भी दो चीज को डिवाइड करके उन दोनों चीज को कंपेयर करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड. अब हम इन दोनों मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट मेथड है बाय सब्ट्रैक्शन मेथड. ठीक है तो देखिए यहां पर इन दिस मेथड वी कम टू नो हाउ मच इज वन क्वांटिटी मोर देन और लेस देन द अदर. ठीक है इस मेथड में हमें यह पता लगेगा कि जैसे कि कोई दो क्वांटिटी है. ठीक है तो हमें यह पता करना है कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे क्वांटिटी से कितनी ज्यादा है या फिर कम है. ठीक है तो देखिए कैसे पता लगेगा. फॉर एग्जाम्पल सीजिए इफ द एज ऑफ मोहित इज 15 ईयर्स. ठीक है मोहित की एज कितनी है? 15 ईयर्स 15 साल. ठीक है And that of Saran is 10 years. ठीक है Saran की एज कितनी है? 10 years. मतलब कि Saran जो है 10 साल का है और मोहित 15 साल का. ठीक है So how many years is Mohit older than Saran? ठीक है मोहित कितने साल बड़ा है Saran से. ठीक है तो देखिए कैसा पता चलेगा. यहाँ पर clearly Mohit is 15 years minus 10 years is equal to 5 years older than Saran. ठीक है हम कैसे कंपेयर करेंगे? मोहित की उम्र 15 साल है, Saran की उम्र 10 साल है. ठीक है तो मोहित कितने साल बड़ा हुआ सरन से हमें कैसे पता चलेगा? जब हम माइनस करेंगे 15 माइनस 10. ठीक है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5. इसका मतलब ये हुआ मोहित इज 5 इयर्स ओल्डर देन सरन. ठीक है तो देखिए यहां पर दो क्वांटिटी यहां पर है. वो दो क्वांटिटी क्या है? एज है. ठीक है एज है. ठीक है यहां 15 इयर्स एंड 10 इयर्स. ठीक है इसे कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे? यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है तभी तो पता चलेगा कि मोहित जो है सरन से कितने साल बड़ा. ठीक है कि मोहित जो है 15 इयर्स का है और सरन 10 इयर्स का. ठीक है कैसे पता चलेगा कि मोहित सरन से कितने साल बड़ा? तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है सो हियर इट इज 15 इयर्स माइनस 10 इयर्स मतलब कि 5 इयर्स. मोहित इज 5 इयर्स ओल्डर देन सरन. सो इसी तरह से हमें किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड एंड देन वी गेट रेशियो ऑफ दैट क्वांटिटीज. नाउ सी द सेकंड एग्जांपल व्हाट इज गिवन हियर. इन द सेम वे इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज 40 केजी. ठीक है यहां पर एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या है? 40 केजी. ठीक है और उसका ऑब्जेक्ट का नाम ए है. ठीक है ए इज 40 केजी. ठीक है
एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज 60 केजी। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसका नाम बी है, ठीक है, वो कितना केजी है, 60 केजी है। ठीक है, उसका क्वांटिटी क्या है, 60 केजी, यहाँ पर वेट है। ठीक है, और यहाँ पर विच ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट इज हैविंग मोर वेट एंड बाई हाउ मच। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसका वेट अधिक है, ठीक है, और कितना अधिक है दूसरे वाले वेट से, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर, हेयर द वेट ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बाई 60 केजी माइनस 40 केजी इज इक्वल टू 20 केजी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए का वेट कितना है, यहाँ पर देखिए ए ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, इसका नाम ए, इसका वेट 40 केजी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बी है, इसका वेट 60 केजी है। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट का वेट अधिक है या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट का वेट कम है। कैसे कंपेयर करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका ज्यादा वेट है उसमें से कम वेट वाला हमें माइनस करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेट ऑफ बी, ठीक है, वेट ऑफ बी में से माइनस करेंगे वेट ऑफ ए, मतलब कि यहाँ पर देखिए द वेट ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बाई 60 केजी माइनस 40 केजी इक्वल टू 20 केजी, मतलब कि जो वेट है बी का वेट है वो ए के वेट से 20 केजी अधिक है। ठीक है, तो वही यहाँ सब्ट्रैक्ट किया गया, यहाँ पर देखिए 60 माइनस 40 मतलब कि 60 माइनस 40 मतलब कि बी के वेट को, बी के वेट में से ए के वेट को माइनस किया गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे अगर आप 60 माइनस 40 कितना आएगा 20। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट बी इज 20 केजी मोर देन द ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी क्या है, 20 किलो अधिक है, 20 किलोग्राम अधिक है ऑब्जेक्ट ए के वजन से। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है हेयर द वेट ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बाय 60 केजी माइनस 40 केजी इक्वल टू 20 केजी, मतलब कि 20 केजी अधिक है ए वाले वेट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, वी कैन ऑल्सो से दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 20 केजी लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए का वेट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बी से 20 किलो कम है। ठीक है, वही यहाँ पर देखिए 20 किलो कम है, ठीक है, 40 केजी है और यहाँ पर इसका वेट 60 केजी है। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 20 केजी लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो तरह से हमें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर बी जो है 20 केजी अधिक है ए वाले से, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए का वेट जो है वो 20 केजी कम है बी के वेट से। फिर से देखिए, फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुरू से इन द सेम वे, मतलब कि पहला जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसी तरह ये भी एग्जाम्पल है। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज 40 केजी, ठीक है, ए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका वेट मतलब इसका वजन कितना है, इसका वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है बी, इसका नाम बी है, ठीक है, इसका वेट कितना है, मतलब इसका वजन है 60 केजी मीन 60 किलो। ठीक है, 60 किलो इसका वजन है बी का और ए का वजन है 40 केजी। ठीक है, तो हमें कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट ए का वेट 40 केजी है 40 किलो, ऑब्जेक्ट बी का वेट 60 केजी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए विच ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट इज हैविंग मोर वेट एंड बाय हाउ मच। ठीक है, इसमें हमें पता करना है कि कौन सा इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा वेट ज्यादा है, ठीक है, और कितना ज्यादा है, जो कम है उससे कितना ज्यादा है, ठीक है, या फिर कौन सा वेट जो है वो कम है और कितना कम है, ठीक है, दूसरे वाले वेट से, तो वही हमें डिसाइड करना है यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको जो ज्यादा वेट है उसमें से जो कम वेट है उसको माइनस करना रहेगा। ठीक है, वही लिखा हेयर द वेट ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेट है बी का वेट है वो बड़ा है ज्यादा ए के वेट से। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है द वेट ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बाय 60 केजी माइनस 40 केजी। ठीक है, 60 केजी माइनस 40 केजी मतलब 20 केजी। ठीक है, जो बी का वेट है वो एक वेट से 20 केजी अधिक है। ठीक है, सो द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज 20 केजी मोर देन और ग्रेटर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, और यहां देखिए वी कैन ऑल्सो से दैट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 20 केजी लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। हम ऐसे भी कह सकते हैं ए का जो वेट है, ठीक है, वो 20 केजी लेस है बी के वेट से। ठीक है, क्योंकि ए का वेट 40 केजी है और बी का वेट 60 केजी है। सो सिंपल द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 20 केजी लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। नाउ सी हियर, इन द सेम वे मेनी मोर पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंपेयर्ड फॉर देयर हाइट्स एजेस वेट्स एटसेट्रा बाय द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह हम और भी क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए
हाइट को हम किसे कंपेयर करना है, हाइट को हाइट से ही कंपेयर करते हैं, ठीक है, और हाइट को वेट से कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए वेट को हम हाइट से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, वेट को वेट से ही कंपेयर करना है, ठीक है। सिमिलरली देखिए एज है, ठीक है, एज को हम कंपेयर करेंगे एज से, ठीक है, ऐसा नहीं कि एज को हम कंपेयर करेंगे हाइट से, ठीक है, एज को एज से कंपेयर करना, ठीक है, जो क्वांटिटी है हमें उसी क्वांटिटी से कंपेयर करना है, ठीक है, उस क्वांटिटी को। सिमिलरली देखिए हम बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन से हम इन सभी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, हाइट, एज, वेट, ठीक है, ये सब क्वांटिटी एंड एटसेट्रा, मतलब कि लेंथ, वॉल्यूम, ये सब जितने आते हैं सारे को हम कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। लेकिन एक क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी रहने चाहिए, ठीक है, किसी दो चीज को कंपेयर करना, ठीक है, वो दोनों सिमिलर क्वांटिटी रहनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर हाइट है, ठीक है, हाइट को हम हाइट से कंपेयर करेंगे, वेट को वेट से कंपेयर करेंगे, एज को एज से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी दोनों सेम है, यहाँ एज है, यहाँ भी एज है, ठीक है। सो किसी भी दो चीज को हम कंपेयर करते हैं तो उन दोनों की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। नाउ सी हियर वी विल स्टडी द सेकंड मेथड टू कंपेयर एनी टू क्वांटिटीज, ठीक है, यहाँ कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, हम किसी भी दो चीज को कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। सो हियर इट इज रिटन इन दिस मेथड वी कम टू नो हाउ मेनी टाइम्स इज वन क्वांटिटी ऑफ द अदर, ठीक है, मतलब कि कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कितने टाइम्स है, मतलब कितना गुना है, ठीक है, कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, ठीक है। सो वहीं का फॉर एग्जांपल सी है, इफ द एज ऑफ अ बॉय इज 7 इयर्स, ठीक है, एक लड़के की उम्र कितनी है 7 इयर्स, 7 साल का एक लड़का, ठीक है, एंड दैट ऑफ हिज फादर इज 35 इयर्स, ठीक है, उसके पापा की उम्र कितनी है 35 इयर्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए सिंस द फादर्स एज अपॉन द सन्स एज, ठीक है, यहां पर देखिए डिवाइड किया गया, ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड से हम कंपेयर करते हैं किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को, ठीक है। यहां पर देखिए दोनों क्वांटिटी सेम है, एज एज, ठीक है, तो यहां देखिए फादर की एज कितनी है 35 इयर्स, ठीक है, और उनके लड़के की एज कितनी है यहां पर 7 इयर्स, ठीक है, एक लड़का है उसके पापा है, उसके पापा की एज है 35 इयर्स और उस लड़के की एज है 7 इयर्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब 35 बाय 7, ठीक है, 35 को डिवाइड करिए 7 से, 7 5 जा 35, ठीक है, यहां पर डिवाइड करते हैं 35 को डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है, 7 5 जा 35, ठीक है, 35 माइनस 0, यहां पर देखिए रिमाइंडर इज 0, दैट मींस 35 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 एंड हियर द क्वोशेंट इज 5, इट मींस द फादर इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन द चाइल्ड, ठीक है। यहां पर देखिए 5 आ रहा है क्वोशेंट में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो ये लड़का है इससे 5 गुना अधिक इनके पिता की उम्र है, ठीक है। यहां देखिए वी से दैट फादर्स एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ सन्स एज, ठीक है, यहां पर फादर की एज कितनी है 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन्स, ठीक है, सन्स की एज से, मतलब सन की एज से उनके पापा की उम्र कितनी है 5 टाइम्स बड़ी है, ठीक है। यहां पर देखिए वही यहां लिखा वी से दैट फादर्स एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ सन्स एज, मतलब कि उनके पिता की जो उम्र है लड़के से 5 गुना अधिक है, ठीक है, लड़का 7 साल का है, उनके पिता की उम्र 35 साल है, इसका मतलब इट मींस द एज ऑफ द फादर इज 5 टाइम्स मोर देन द एज ऑफ सन, ठीक है, फादर की एज जो है सन की एज से 5 गुना अधिक है, ठीक है। तो इसी तरह हम कंपेयर करते हैं किसी भी दो क्वांटिटी को, ठीक है, बाय यूजिंग डिविजन मेथड। सी हियर सेकंड एग्जांपल व्हाट गिवन, इन द सेम वे इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज 40 केजी एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज 60 केजी, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट ए है इसका वेट कितना 40 केजी है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट बी है इसका वेट कितना 60 केजी है, ठीक है, मतलब ए जो है वो 40 किलो का है और बी जो है वो 60 किलो का, ठीक है। तो इसे हम कंपेयर करना बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, मतलब कि हमें डिवाइड करके कंपेयर करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना कम है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहां पर देखिए A's weight divided by B's weight, ठीक है, मतलब कि A का weight को हमने divide किया है B के weight से, ठीक है। यहाँ पर देखिए A का weight कितना 40 kg divided by 60 kg, ठीक है। तो इसे हम simplest form में लिखेंगे, मतलब कि इसे अगर divide करेंगे तो देखिए यहाँ पर 22 जा 40, ठीक है, तो यहाँ पर 20 से दोनों divide हो रहे, ठीक है, ये भी 20 से divide होगा, ये भी 20 से divide होगा, ठीक है। So 22 जा 40 and 23 जा 60, ठीक है। तो देखिए रेशियो हम निकालते हैं किसी भी दो चीज का, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 2 बाय 3 है, ठीक है, अब ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर के जैसे कोई
कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द रेशियो, ये हमारा रेशियो निकल गया इन दोनों ऑब्जेक्ट का, ठीक है, 2:3। तो यहां पर देखिए, इन अदर वर्ड इसे हम कैसे बोलेंगे, इफ वेट इज 2/3 टाइम्स दैट ऑफ बी, यहां पर देखिए आल्सो बी'स वेट अपॉन ए'स वेट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, बी के वेट को हमने ऊपर लिखा और ए के वेट को हमने नीचे लिखा, मतलब कि बी के वेट को डिवाइड कर रहे ए के वेट से, ठीक है। बी का वेट 60 केजी है एंड ए का वेट 40 केजी है, ठीक है। सो 60 केजी डिवाइडेड बाय 40 केजी, ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे इन दोनों को, देखिए ये 20 से दोनों डिवाइड हुए, ठीक है, 23 जा 60 एंड 22 जा 40, ठीक है। तो रेशियो हमारा निकल गया 3:2 मींस 3/2, ठीक है। सो इन अदर वर्ड बी'स वेट इज 3/2 टाइम्स दैट ऑफ ए'स। नाउ सी हियर द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, ठीक है, किसी भी दो क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, उस मेथड को क्या कहते हैं, वही यहां पर दिखा हुआ, ठीक है। द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्या क्या होती है, या तो वो नंबर्स होंगे, ठीक है, या फिर थिंग्स होंगे, या फिर कुछ भी होंगे, ठीक है, लेकिन वो दो क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, ठीक है, सेम चीज को ही कंपेयर किया जाता है, ठीक है। सो द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज नंबर्स थिंग्स एटसेट्रा डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय द अदर, ठीक है। किसी मान लो कि वहां पर दो क्वांटिटी, ठीक है, हम एक क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे दूसरे क्वांटिटी से, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि उन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा ज्यादा है, या फिर कौन सा कम है, ठीक है, या फिर कौन सा छोटा है, या फिर कौन सा बड़ा है, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड रेशियो। सो यहां पर एक तरफ से देखिए क्या लिखा है रेशियो का डेफिनेशन, द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज नंबर्स थिंग्स एटसेट्रा बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय द अदर इज कॉल्ड रेशियो, ठीक है। किसी भी दो क्वांटिटी है, ठीक है, अगर हम उनमें से एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि हम उनका रेशियो निकालते हैं, यानी कि उन दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, डिवाइड करके हम उन दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं कि कौन सा क्वांटिटी बड़ा है, जो दो क्वांटिटी उनमें से कौन सा बड़ा है और फिर कौन सा छोटा है, या फिर कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, ठीक है। यहां पर देखिए हमने समझाया था कि एक्स एक्स बाय वाई का रेशियो क्या निकला, यहां पर एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2/3, मतलब 2:3 ये रेशियो निकला है, एक्स इज टू वाई का इज इक्वल टू 2:3, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे 2:3, ठीक है, 2:3, इसको क्या बोलेंगे, ये रेशियो 2:3, ठीक है। सो हियर एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2/3 रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, यहां पर एक्स एंड वाई का रेशियो निकला है 2:3, इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए y by x, ठीक है, मतलब यहाँ पर y ऊपर हो गया तो यहाँ पर 3 ऊपर हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ y नीचे इसलिए 3 नीचे, ठीक है, x ऊपर है, यहाँ y ऊपर है तो 3 ऊपर है, x नीचे तो 2 नीचे, ठीक है। तो y by x is equal to 3/2 represents the ratio of y and x, ठीक है। तो रेशियो कैसे लिखेंगे, 3:2, इसे क्या पढ़ेंगे, 3:2, ये रेशियो क्या है, y is to x का रेशियो 3:2, ठीक है, 3:2 इसको पढ़ते, ठीक है। So here y is equal to x, here y by x is equal to 3/2 represents the ratio of y and x, यहाँ पर y and x के ratio को represent किया जा रहा है, तो यहाँ पर y by x is equal to 3/2 है, means 3:2, यहाँ पर x by y is equal to 2/3 है, means 2:3।